हेलो फ्रेंड्स, आज हम STM32 माइक्रोकंट्रोलर की प्रोग्रामिंग बहुत ही आसानी से आर्डिनो IDE का यूज़ करके सीखेंगे। इस वीडियो में हम LED ब्लिंक स्केच को STM32 ब्लूप्रिंट में अपलोड करेंगे। यह एक 32-bit माइक्रोकंट्रोलर है जो मैक्सिमम 72 MHz की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। इसकी फ्लैश मेमोरी 64 KB या फिर 128 KB होती है, जिसका मतलब यह है कि आपको आर्डिनो से ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रक्शंस और ज़्यादा मेमोरी मिलती है, और ये आर्डिनो से चीपर भी है। STM32 बोर्ड को आर्डिनो IDE से प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले इस लिंक को कॉपी कर लेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आर्डिनो IDE ओपन करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर मैनेज एडिशनल बोर्ड्स URL पर इस लिंक को पेस्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अब टूल्स में बोर्ड्स मैनेजर पर जाएंगे, यहाँ पर STM32 टाइप करने पर बोर्ड्स लाइब्रेरी आ जाएगी, जिसे इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल होने के बाद ब्लिंक का एग्जाम्पल प्रोग्राम ओपन कर लेंगे। फिर टूल्स में जाएंगे और जेनरिक STM32F1 सीरीज को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से टूल्स में जाएंगे और ब्लू पिल F103C8 को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें अपलोड मेथड में STM32 क्यूब प्रोग्रामर सीरियल सेलेक्ट करने के बाद FTTI सीरियल प्रोग्रामर को कनेक्ट करना होगा। इस बोर्ड में दो बूट मोड होते हैं, बूट 0 और बूट 1। प्रोग्राम करने के लिए बूट 0 जम्पर को 1 पर रखते हैं। A9 और A10 पिन को सीरियल प्रोग्रामर की RX और DX पिन से कनेक्ट करेंगे। प्रोग्रामर की 3.3 volt पिन को बोर्ड की 3.3 पिन से और ग्राउंड को ग्राउंड पिन से कनेक्ट करेंगे। प्रोग्रामर की RX पिन को बोर्ड की TX पिन से, जो कि A9 है, जोड़ेंगे और प्रोग्रामर की TX पिन को बोर्ड की RX पिन से जोड़ेंगे, जो कि A10 है। अब VCC और ग्राउंड के कनेक्शन भी कर लेते हैं। इसके बाद प्रोग्रामर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेंगे। प्रोग्राम अपलोड करने से पहले बोर्ड 0 जम्पर को 1 की पोजीशन में रखना होगा, वरना प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा और एरर आएगी। अगर इसमें पहले से कोई प्रोग्राम हो तो बोर्ड को रिसेट करना चाहिए। प्रोग्राम अपलोड करने से पहले सही पोर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। प्रोग्राम अपलोड होने के बाद LED ब्लिंक करने लग जाएगी। अब जम्पर को 0 पोजीशन पर बिना पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट किए रख लेंगे। ऐसा करने से प्रोग्राम परमानेंटली फ्लैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। पावर को रिकनेक्ट करके देखते हैं, प्रोग्राम सही से रन कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर पोर्ट 0 को 1 पोजीशन में ही रखकर पावर डिस्कनेक्ट कर दें? चलिए देखते हैं। पोर्ट 0 को 1 पोजीशन में रखने के बाद रिसेट का बटन प्रेस कर लेंगे। इससे प्रोग्राम फ्लैश मेमोरी से क्लियर हो जाता है। अब फिर से प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं।
अब पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट और फिर रिकनेक्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम फ्लैश मेमोरी में स्टोर नहीं हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।